हेलो एवरीबॉडी, मैंगो सीजन आ गया है और मैंगो शेक और मैंगो लस्सी तो सबने ट्राई करी होगी। एक बार ये मैंगो डेजर्ट ट्राई करके देखो। तो सबसे पहले हमने मैंगो कस्टर्ड लिया है, ये 2 चम्मच इतना ही कस्टर्ड पाउडर है और इसमें हमने फ्रेश मिल्क ऐड करना है और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और इस तरफ हमने कढ़ाई में दूध गरम कर लिया है और दूध में हम 1 से 1.5 घंटे भिगो हुए चावल हैं ये, वो डाल देंगे और थोड़ी देर अच्छे से कुक करेंगे। इन चावलों को दूध में कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब मैंगो डेजर्ट बना रहे हैं तो हम लेंगे सबसे पहले मैंगो, और मैंगो का हम जो एक स्लाइस होता है ना, उसको हम अच्छे से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। वाओ, ये तो देखने में इतना टैम्पटिंग लग रहा है, मन कर रहा है यहीं पे खा लूं। अब बाकी बचे हुए आम की हम प्यूरे बना लेंगे, अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे इसका। और तब तक हमारे चावल भी आप देखो दूध में अच्छे से कुक हो गए हैं, थोड़े थोड़ा सा कसर रहती है बस, बाकी अच्छे से कुक हो गए हैं। 70-80% अच्छे से कुक हैं। अब इस टाइम पर हम डालेंगे जो हमने कस्टर्ड रखा था 10 मिनट के रेस्ट पर वो, और इसे अच्छे से हिलाएंगे क्योंकि कस्टर्ड डालते ही ना दूध आपका गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये फटाफट गाढ़ा होएगा ना, आपको फटाफट ही इसके अंदर स्पून अच्छे से हिलाना है और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से कुक कर लेंगे हम। अब 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर और कुछ जाएंगे रोज पेटल्स, और साथ में जाएंगे कुछ कटे हुए, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। प्लीज़ ये रेसिपी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। उनको मैंगो की ये न्यू रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और डेजर्ट भी बहुत बढ़िया बनता है ये मैंगो का, एक बार ज़रूर ट्राई करें। फाइनली अब जो हमने पल्प बनाया था, पेस्ट बनाया था, वो डाल देंगे हम इस स्टेज पे। मैंगो पल्प डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो हमने क्यूब्स काट के रखे थे मैंगो के, वो डालने हैं इसके ऊपर, और ये भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेने हैं इसमें। आई नो यू ऑल आर वंडरिंग कि डेजर्ट है और इसमें स्वीट नहीं गया, तो जो स्वीट कम खाते हैं उनके लिए तो मैंगो प्यूरी डल गई है तो वो इनफ स्वीटनेस है, और जो ज़्यादा खाते हैं वो एडिशनल इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं अपना मीठा चेक करके। अब 1 से 2 मिनट हम अच्छे से कुक कर लेंगे तो ये झटपट बनने वाला डिज़र्ट रेडी है। चलिए करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे ग्लास में ना चेरीज डाली हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। देन उसके बाद हमारी जो स्वीट डिज़र्ट बनाई हमने वो गई है, ऊपर से गया है मैंगो के 1-1 क्यूब्स और साथ में गए हैं कुछ रोज पेटल्स। सर्व इट राइट अवे और लेट इट चिल फॉर अ वाइल। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये स्वीट मैंगो डेजर्ट रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट से कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।